किसान इत्तेहाद का 13 घंटे से चेरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज जारी। किसानों ने रात खुले आसमान तले बिस्तर लगाकर गुजारी। लहू गरमाने के लिए कोयले दहकाने और ढोल की थाप पर रक्स भी करने लगे। आलू जलाकर एहतजाज, लागत के तनासुब से मुआवजे का तकाजा। हुकूमत से आलू की कीमत 9 रुपए के बजाय 12 रुपए फी किलो करने का मुतालबा। खूनी खेल नामंजूर, बसंत मनाने की फिलहाल इजाजत नहीं दी। बसंत का फैसला करने के लिए कमेटी बनाई है। सरकारी वकील का अदालत में एतराफ, कमेटी का जायजा लेने का इख्तियार अदालत के पास है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर से 24 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर क्रैकडाउन। सत्तूकतला पुलिस ने कार्रवाई करके 4 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए और मुकदमा दर्ज। जबकि रेस कोर्स पुलिस ने पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार किए। मुलजमान से पतंगे और डोर और दीगर सामान बरामद। लाहौर न्यूज ने बिछड़े हुए मिला दिए। गुलशन इकबाल पार्क से 3 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा मिल गया। डॉल्फिन फोर्स ने स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक शख्स को हिरासत में लिया था तो 9-6 साल सात का सुराग मिल गया। अगवाकार खातून नाहिद और इसका शौहर गिरफ्तार। फूल जैसा बच्चा मिलने पर वालिदैन की जान में जान आई। जज्बाती मनाजिर, वालिदैन ने मिठाई खिलाई। सात के घर पहुंचने पर खुशी का समा। वालिदैन, दादी और नाना नानी गले लगाकर प्यार करते रहे। बच्चे को अगवा करने वाली खातून को घर से हिरासत में ले लिया। एसपी इकबाल टाउन अली रजा की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस को एक और कामयाबी। 12 घंटे की अगवा होने वाली नौमौलूद बच्ची 3.5 माह बाद बाजियाब करवा ली गई। थाना नवाकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। कोर्ट कम्बोक से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवाकर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची वर्षा के हवाले। वालिदैन की पुलिस को दुआएं। लाहौर न्यूज की अहम काविशें। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग। मुहिम 12वें रोज में दाखिल। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर कॉन्ट्रैक्टर अलबैराग का अंदरूनी शहर की यूसी 169 की गलियों का दौरा। पीटीआई के अजासिम शरीफ कहते हैं जब तक 100% सफाई नहीं होगी मुतमईन नहीं होंगे। जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक की भी शहरियों से सफाई सुथराई में साथ देने की अपील। कभी लोड शेडिंग तो कभी प्रेशर में कमी। सुई गैस की अदम दस्तयाबी से सांदा के रिहायशी अजियत में मुब्तला। खातीन और बच्चे सड़कों पर आ गए। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। रुकन कौमी असेंबली मोन्ना सिलाही, वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी पर बरस पड़े। मोन्ना सिलाही का अपने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान को वुज़रा की तरबियत करने का मशवरा। मोन्ना सिलाही का कहना है कि फवाद चौधरी के बयान से हुकूमती इत्तेहाद टूट सकता है। वजीर आजम को चाहिए फवाद चौधरी को नज्मो जब्त सिखाए। ख्वाजा सलमान रफीक की पंजाब असेंबली आमद। लीगी अरकान की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, नारेबाजी। ख्वाजा सलमान रफीक का ऐवान में खिताब। बोले, हमारी सारी क़यादत जेल में है। बदकिस्मती से 70 साल में सियासी जमातें इकट्ठी नहीं हो सकी। आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से भी चैंबर में मुलाकात। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा किया। नैब टीम ने असेंबली इजलास के बाद वापिस दफ्तर मुंतकिल कर दिया। ख्वाजा सलमान रफीक की अहलिया शुमायला सलमान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया। बोली, ख्वाजा सलमान रफीक की सजा की कुछ समझ नहीं आ रही। सलमान रफीक को असूलों पर खड़ा होने की सजा दी जा रही है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना तारीखी काम है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के मामले पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ऑन बोर्ड थे।
क्रेडिट हुकूमत और अपोजिशन सबको जाता है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। सुबाई वजीर कानून राजद बिशारत कहते हैं, हमने जमहूरी रवायात को जिंदा किया है, आइंदा भी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल तआवुन किया, तिबी वजूहात के बायस बैरून मुल्क जाना चाहता हूं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नामी सीएल से निकलवाने के लिए हाईकोर्ट से रजू कर लिया। मेरा नाम गैर कानूनी तौर पर ईसीएल में शामिल किया गया, हमजा शहबाज का दरखास्त में मौकफ, दरखास्त पर समाप्त आज होगी। चौधरी निसार अली खान की पंजाब असेंबली रुकनियत खतरे में, 3 माह तक हल्फ ना उठाने वाले एमपीए की रुकनियत खत्म करने के लिए करारदाद मंजूर। तहरीक पीटीआई एमपीए मोमिना वहीद की तरफ से लाई गई, हल्फ ना उठाने वाले एमपीए की नशिस्त को खाली करार दिया जाए, करारदाद में विफाकी हुकूमत से मुतालिबा। अहले लाहौर के लिए बड़ी खबर, रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबा बनेगा, वजीर आला ने मंजूरी दे दी। मंसूबे की तकमील से लाहौर रिंग रोड मुल्तान रोड से मुंसलिक हो जाएगी। सरदार उस्मान बुजदार कहते हैं, सदरन लूप 3 के मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के इजलास में भी बड़े फैसले, तारीखी इमारतों की बहाली और सियाहत को फरोग देने का फैसला। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के दायरा कार को पंजाब तक फैलाने का फैसला। पंजाबी सकाफत को फरोग देने के लिए कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद भी करवाया जाएगा। ज्यादा कमाई कम क्यों बताई, एफबीआर का नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया गया। स्टोर इंतजामिया ने 25 से 30 लाख रोजाना की सेल को 15 लाख रुपए जाहिर कर रखा था। तमाम रिकॉर्ड की छानबीन के बाद टैक्स का तखमीना लगाया जाएगा, एफबीआर हुक्काम। शुतुरमुर्ग का गोश्त चाहिए तो वेटनरी यूनिवर्सिटी चले आइए, मीट शॉप खुल गई। शहरियों के लिए शुतुरमुर्ग का गोश्त 1200 रुपए किलो में दस्तयाब। मीट शॉप पर गोश्त 400 ग्राम, 800 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग में दस्तयाब होगा। सुबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक की गुफ्तगू। बैन अल-अक़वामी तर्ज पर डॉक्टर्स की तरबियत, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमरजेंसी मेडिसिन फोकस सेमिनार का इनेकाद। बरतानिया और अमेरिका के माहिरीन ने डॉक्टर्स को अमली तरबियत के साथ साथ लेक्चर्स भी दिए। मॉडल टाउन में पाकिस्तानी नयाद, बरतानवी सहाफियों के वफद के एजाज में इशाया, एहतमाम पाक यूके फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन फवाज सुल्तान ने अपनी रिहाइशगाह पर किया। इशाइये में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, दीगर सहाफी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया से आए 21 रुकनी वफद के लाहौर में स्पोर्ट्स सहाफियों के साथ मैचेस का भी इनेकाद होगा। गवर्नर हाउस में सजी रंगारंग कवाली नाइट, नए गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मारूफ कवाल आसिफ संतो ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाजरीन पर सहरतारी कर दिया। और मेकअप, बालों की तराश खराश, मेहंदी और रिबाउंडिंग के नित नए अंदाज, खातीन को मेकअप के जदीद गुर सिखाने के लिए जौहर टाउन में खसूसी वर्कशॉप, पार्टी और ब्राइडल मेकअप की तरबियत दी गई।